सोयाबीन चाट बनाने के लिए मैंने ले रखा है 100 ग्राम सोयाबीन और 2 उबले हुए आलू, 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज और 2 टमाटर। मैंने एक गिलास पानी गरम कर रखा है सोयाबीन को भिगोने के लिए। गुनगुना पानी से सोयाबीन को भिगो दूंगी। 2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक सोयाबीन सॉफ्ट होता है तब तक मैं मसाले फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई गरम कर रखा है मैंने, अब इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। तेल गरम हो गया, अब मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, थोड़ी सी हींग, कटी हुई प्याज और 2 हरी मिर्ची। मैं डालूंगी शिमला मिर्च, थोड़ा थोड़ा पकाना है, ज्यादा इसको नहीं पकाना। थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। तो सोयाबीन कितना हेल्दी होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है। प्याज और शिमला मिर्च आधा कुक हो चुका है, आलू बॉयल है इसलिए इसको बाद में डालेंगे, क्योंकि ये बॉयल है इसको कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। बस ये हो गया, अब मैं डाल दूंगी सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन मैंने पानी में भिगो रखा है गर्म पानी में, तो सॉफ्ट हो गया है, अभी इसको निचोड़ लेती हूँ। अब डाल दूंगी टमाटर। मैंने इसको पानी में से निकाल के निचोड़ दिया था सोयाबीन को, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब मैं इसको इसी में डाल दूंगी, इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में, बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। ये कुकिंग का काम इसका हो गया, तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के और चाट बना के दिखाती हूँ आपको। प्लेट में इसको मैंने निकाल लिया, अब इस पे डालेंगे आलू भुजिया। थोड़ा सा चाट मसाला, अब ऊपर से डाल दूंगी मैं थोड़ा सा केचप। देखिए दोस्तों ये बनके तैयार हो गया और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, एक बार आप बनाएं और तब देखें कि कितना ये बढ़िया लगता है खाने में और हेल्दी भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।